जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो देखिए, जो है असम राइफल्स जो है पैरामिलिट्री फोर्स, उसके अंदर ट्रेडमैन और टेक्निकल की वैकेंसी, रेली वैकेंसी जो आई हुई है, आज उसकी फुल डिटेल, फुल प्रक्रिया, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसेस है, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये जो रेली भर्ती है वो कब से और कब तक इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो इसके फॉर्म जो है वो 6 जून से भरे जा रहे हैं। 6 जून से इसके फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट दी गई है। 20 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके लिए इसमें कैटेगरी वाइज एजुलेशन दिया गया है। नॉर्मल अगर एजुलेशन की हम बात करें तो 18 से 25 साल तक है, उस 18 से 23 साल तक है सॉरी। और उसके बाद आप SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है और ऐसे ही एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए अलग अलग छूट दी गई है। अगर हम फिजिकल स्टैंड की बात करें, हाइट वगैरह, तो नॉर्मल कैटेगरी जो है और नॉर्मल एरिया, जैसे आपको अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, जो भी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट 80 से 85 के बीच होना चाहिए। और पहाड़ी इलाके के जो भी लोग हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 78 से 83 आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये तो थी इसकी उसकी बात। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग इसमें आपकी 5 किलोमीटर रनिंग है, 1600 किलोमीटर रनिंग है आपकी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग वो करनी है। वैकेंसी की हम बात करें तो कुल पोस्ट इसमें निकली हुई हैं, टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो टोटल पोस्ट इसमें जो है 1200 के आसपास आपकी टोटल पोस्ट हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट दी गई हैं इसकी, और आपकी स्टेट वाइज पोस्ट दी गई हैं, किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं और आपको किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क हो गया, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन है, और आप सब नर्सिंग असिस्टेंट है, काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो सबसे पहले इसका जो है फिजिकल होगा आपका। पहले आपका इसका फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल के बाद आपका इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, और आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, तब आपकी फ़ाइनल मेरिट आएगी, उस फाइनल मेरिट पे ही आपका चयन होगा। तो देखिए, ये सब स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। तो हम बात करें बिहार, तो बिहार में कुल 107 वैकेंसी दी गई हैं। चंडीगढ़ की आप देख रहे हैं 2 वैकेंसी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 32 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार हम गुजरात की बात करें तो 50 वैकेंसी हैं। और अपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 123 टोटल वैकेंसी 123 हैं, जिसमें आपकी हवलदार क्लर्क की 3 पोस्ट, 14 पोस्ट हैं, नायब सूबेदार विजिलेंस टीचर की 1 पोस्ट है, हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की 77 पोस्ट हैं, आपकी वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की 5 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपका राइफल मैन हो गया, और सब लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ये सभी प्रकार की पोस्टें आपकी दी हुई हैं। आपको जो भी पोस्ट आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ठीक हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं, तो आपके पास एक तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरा आपके पास मूल्यवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और 10th और 12th की आपकी क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है वो आपके पास होना अवेलेबल ज़रूरी है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती है, रहने वाली है, और जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी कर ली जाएगी। इसके चांस बहुत ही जल्दी फाइनल होने के रहते हैं, लगभग हो सकता है अगस्त के आसपास आपका फिजिकल शुरू हो जाए, और उसके बाद दिसंबर तक ये पूरी भर्ती फाइनल भी कर ली जाए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये इसकी रखी गई है,
सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जीरो फीस है, कोई भी फीस देनी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।